गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट रहे थे, इस दौरान मुंबई के बंदरगाह पर उनसे मिलने के लिए कुछ अखबारों के पत्रकार इंतजार कर रहे थे। बंदरगाह से गांधी जी की जहाज से उतरते ही एक गुजराती पत्रकार ने गांधी जी को अपने स्थान की बासिंदा कहकर अन्य पत्रकारों के भीड़ से आगे आकर अति उत्साह से गांधी जी से अंग्रेजी में बात करने लगे। गांधी जी ने उनके सवालों का जवाब देने के बजाय पत्रकार से बोला था कि भाई, तुम भारतीय हो और मैं भी भारतीय हूँ, इस नाते तुम्हारी और मेरी मातृभाषा एक ही है, तो तुम मुझसे मातृभाषा में बात करने के बजाय अंग्रेजी में क्यों बात कर रहे हो? लगता है तुम सोच रहे हो कि मैं इतने दिनों से विदेश में रहने के कारण अपनी मातृभाषा को भूल गया हूँ। नहीं तो तुम ये भी सोच रहे हो कि मैं एक बैरिस्टर होने के कारण मुझे सम्मानित करने के लिए अंग्रेजी से बात कर रहे हो। गांधी जी के इन बातों से उस पत्रकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगकर गुजराती भाषा में बात करने लगे। तभी गांधी जी ने उनके प्रश्नों का सही उत्तर दिया था। एक बार गांधी जी कलकत्ता में आने के दौरान उनसे एक स्थानीय महिला ने हिंदी में बात करके भी बीच बीच में अंग्रेजी का शब्द बोल रही थी। इससे गांधी जी असंतुष्ट होकर उस महिला से बोला था कि आपको मुझसे हिंदी में बात करने के लिए तकलीफ हो रही है तो अंग्रेजी या सीन भाषा में भी बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से मैं अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का अपमान सहन नहीं कर सकता। अपनी जातीयता की एकता के लिए हमें अपनी राष्ट्रीय भाषा को अच्छे से सीखना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय भाषा जानने से भौगोलिक दूरी ज़रूर कम होती है, लेकिन इससे अपने लोगों की मन की दूरी भी कम होती है। इसलिए हमें अपनी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा की सम्मान करना चाहिए। ऐसे महान गुणों की परिभाषित करने वाले वो महान व्यक्ति गांधी जी ही थे।